जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, चारों ओर योगासनों की धूम, युवकों के मन उमंग उत्साह से नृत्य करते हुए, और संसार में हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा देते हुए ये सुंदर क्षण सचमुच सबके मन के लिए लुभावने हैं। नो डाउट योगासनों से सभी को शारीरिक लाभ बहुत होता है, मन भी थोड़ा समय के लिए प्रफुल्लित होता है। लेकिन आजकल जो मानसिक समस्याएं दुनिया में बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहा है, संबंधों में मनमुटाव बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है, मॉरल वैल्यूज समाप्त होती दिख रही हैं, इन सब के लिए हमें थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। ये मार्ग तो सुंदर है ही, लेकिन हेल्थ अच्छी करने से ही तो काम नहीं बन जाएगा। अगर मन पावरफुल ना हुआ, मन पॉजिटिव ना हुआ, मन हेल्दी ना हुआ, तो ये शारीरिक बीमारियाँ योगासनों से भी ठीक नहीं हो पाएंगी। मन ही नहीं करेगा योगासन करने के लिए, सच्ची बात तो यही है। तो हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बढ़ना होगा, और स्पिरिचुअलिटी का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है राजयोग का अभ्यास, भगवान से मिलन, उसे शक्तियाँ प्राप्त करना, उसके प्रेम में मग्न होना, उससे नाता जोड़ना। युगों से भगवान की खोज चलती रही, योग साधना की भिन्न भिन्न पद्धतियाँ ऋषियों ने समक्ष रखी, आज तो उन्हें करने वाले भी बहुत कम रह गए, इसलिए सब कुछ लोप हो गया, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल डिसअपीयर होती नजर आ रही है। फिर से हम सभी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ें। परमात्मा के बारे में अनेक भ्रमित करने वाले विचार मनुष्य के पास रहे, लोग खोज करते रहे, जो उनके विचार हैं उनको ही सत्य मानते रहे, लेकिन फिर भी भगवान की खोज होती रही। अब सोचो, जब आपके विचार सत्य हैं, फिर भगवान की खोज क्यों? क्यों नहीं भगवान मिला यदि सत्य विचार हैं? क्योंकि उसका अता पता ही नहीं है। अब किसी का एड्रेस ही पता ना हो, आप उसे शायद दुनिया में ढूंढते रहो, जीवन गुजार दो, युग गुजर जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। भगवान को तो कह दिया सब जगह है, तो कहाँ ढूंढोगे? इन्हें कह दिया ढूंढोगे नहीं, अपने अंदर ही चले जाओ, खेल बिगड़ता गया। अब भगवान ने स्वयं अवतरित होकर अपना सत्य ज्ञान दिया, राजयोग सिखाया, उसी की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। उस योग से हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध होने लगती है, विचार पॉजिटिव और महान बनने लगते हैं, पावरफुल बनने लगते हैं। ये तनाव, चिंताएं, ये स्वार्थ और वैमनस्य, ये ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना नष्ट होने लगती हैं, मनुष्य सुखी हो जाता है, और जो मनुष्य बहुत खुश रहता है वो हेल्दी भी रहता है। हमने देखे ही होंगे, ज़्यादा खुश रहने वाले लोग मोटे भी हो जाते हैं, हालांकि मोटा होना आजकल अच्छा नहीं है, लेकिन उनके द्वारा खुशी के फव्वारे चारों ओर फूटते रहते हैं, खुशी का माहौल वो बना देते हैं जहाँ भी जाते हैं, और आंतरिक खुशी तो उससे भी बढ़कर है। तो आइए हम राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने मन को सशक्त करें, पावरफुल करें, पॉजिटिव करें। जो आज निराशा का दौर चल रहा है दुनिया, युवकों के बीच में, खास करके दुनिया में, कोई विशेष लक्ष्य था, कोई विशेष जॉब चाहिए थी, कोई IAS करना चाहता था, कोई CA बनना चाहता था, कोई CS करना चाहता था, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता, वो पूरे नहीं हुए, तो निराशा के काले बादल उन्हें घेर लेते हैं। कोई सुसाइड करता है, कोई सब कुछ छोड़ के बैठ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। राजयोग हमें सशक्त करेगा, राजयोग हमें इन चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत देगा, राजयोग हर बाधा को पार करने में हमारा साथ देगा, क्योंकि इसमें मिलता है हमें भगवान का साथ। तो सिंपली पहले हमें स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करना होता है। कुछ क्षणों में आत्मा का ज्ञान आपके समक्ष रख दें। आत्मा बहुत सूक्ष्म पॉइंट ऑफ एनर्जी है,
इस शरीर को चलाने वाली है, यहाँ अंदर ब्रेन के बीच में बैठती है, उसके द्वारा ही ब्रेन चलता है, शरीर चलता है। हम भूल गए थे कि मैं कौन हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई, यही देह, यही सब कुछ, इसको ही हम सब कुछ मान बैठे। बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ने से सभी विकारों ने हमारे मन पर अधिकार कर लिया। अब सोल कॉन्शियस होने से विकारों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। देखें अपना सूक्ष्म स्वरूप यहाँ अंदर में, सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी, जिससे चारों डिवाइन एनर्जी फैल रही है। संकल्प करें साथ साथ, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, पवित्र हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, लवफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ। आत्मा का स्वधर्म ही शांति और पवित्रता है। मैं आत्मा हूँ, सभी धर्मों के मनुष्य आत्माएं हैं, कोई इसे रूह कहता है, कोई सोल कहता है, कोई प्राण भी कह देते हैं। हालांकि प्राण तो ये चलने वाला है श्वास, लेकिन कोई उसे प्राण भी कह देते हैं। अगर ये अवेयरनेस, ये ज्ञान सभी धर्मों की आत्माओं को मिल जाए कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारे धर्म ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, तुम्हारा धर्म तो पवित्रता और शांति है, क्यों झगड़ रहे हो? तो संसार के झगड़े, हिंसा, मारामारी समाप्त हो जाएंगे, सब अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे। तो पहला अभ्यास हम राजयोग में स्वयं को देह से डिटैच करने का करते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हमने ऐसे कई शरीर लिए हैं और छोड़े हैं, ये अवेयरनेस। अब मैं इस शरीर में हूँ, कभी मैंने नर के रूप में जन्म लिया, कभी नारी के रूप में। बहुत अच्छी फीलिंग रहेंगी इन संकल्पों से। मेरा घर ब्रह्मलोक है, परम धाम है, वहां से मैं आई थी सृष्टि पर। अब ये खेल पूरा होता है, पार्ट बजाकर मुझे वहीं घर वापस चले जाना है, ये चिंतन हमें करना होता है। तो जब हमें अपने घर का ज्ञान होगा, जिसे मुक्ति धाम भी कहते हैं, लोगों ने तो मुक्ति धाम शमशानों को कह दिया है, मुक्ति धाम जहाँ आत्मा अपनी मुक्त अवस्था में रहती है, अपने संपूर्ण स्वरूप में रहती है, उसको ही कहते हैं। वहीं सबसे ऊपर परमात्मा का निवास स्थान है। परमात्मा भी आत्मा की तरह ही एक सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी है। अंतर ये है, वो सर्वशक्तिवान, वो ज्ञान सूर्य, वो सद्गुणों का सागर, ज्ञान का सागर। सत्य ज्ञान देने के लिए इस धरा पर आते हैं, अधर्मों का विनाश करने के लिए इस धरा पर आते हैं, पुनः सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। तो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख शांति आनंद पवित्रता के सागर हैं, वही मुक्ति दाता हैं, सदगति दाता हैं। उनके स्वरूप की हमें पहचान हो जाए, वो यहाँ नहीं है। अगर यहाँ होता तो संसार की दुर्गति क्यों होती? भगवान के होते और संसार का ये बुरा हाल हो जाए, इम्पॉसिबल। उसके वाइब्रेशंस तो गहन शांति के हैं, उसके वाइब्रेशंस में रहते ही मन शांत हो जाता है। वो तो पवित्रता का सागर है, उसके साथ रहने से आत्मा पवित्र हो जाती है। सब जगह है तो सभी उसके साथ है ना, गलत मान्यता हो गई। जब लोगों को भगवान का पतन चला, तब कह दिया था छोड़ो झंझट, सभी जगह है। परमात्मा निराकार, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी क्रिएटर हैं, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। आपने ओम को तो देखा ही है, तीन लाइनें, ऊपर अर्ध चंद्र के ऊपर बिंदु, ये तीन लाइनें ब्रह्मा विष्णु शंकर के सांकेतिक लाइने, और ऊपर बिंदु निराकार परमात्मा का सिंबल। तो ये टोटल त्रिमूर्ति का सिंबलाइज रूप हो गया ओम, इसलिए ओम का बड़ा भारी महत्व है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर और निराकार शिव, जो तीनों का क्रिएटर हैं, हमने भक्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो बना दिया, चित्र भी मिलते हैं जाता, पर उनका क्रिएटर जो निराकार है उसको भूल गए।
उसको निराकार इसलिए कहते हैं कि उसको अपना शरीर नहीं है। इसलिए सबको एक सुंदर सा सिद्धांत याद रखना है, किसी भी देहधारी को हम भगवान नहीं कह सकते। ये जो देहधारी हैं, चाहे श्री कृष्ण ही हो जो देहधारियों में सबसे सुप्रीम है, हाईएस्ट ऑन हाई है, देवता है, उसे 16 कला संपूर्ण माना जाता है, विष्णु का 16 कला संपन्न अवतार माना जाता है। लेकिन भगवान न जन्म मरण के चक्कर में आते, न देह धारण करते हैं, चाहे श्री राम हो चाहे और देवी देवताएं हो जिनकी मान्यता है, वो सब भगवान की रचना है, भगवान नहीं। वही इस सृष्टि पर जन्म नहीं लेते, अवतरित अवश्य होते हैं। हम सबकी जन्म जन्म से उनसे मिलने की अभिलाषा रहती है। आज भी कई लोग उनसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। सोचो, मिला किससे जाता है? जिससे बहुत कुछ मिलना मिलता है, उससे हमें बहुत कुछ मिला था, इसलिए हम उसे बहुत प्यार करते हैं, बिना जाने भी। कुछ नहीं जानते फिर भी उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उसके मिलने में परम सुख, परम आनंद, परम शांति और जन्म जन्म की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए हम राजयोगी बने, अपने परम पिता से अपना नाता जोड़े। अब क्या नाता है हमारा उससे? एक शब्द तो हमने बोल दिया और सभी बोलते हैं, वो हमारा परम पिता है, पिता। नाता हो गया ना, वो हमारा परम शिक्षक भी है। क्यों शिक्षक है? क्योंकि ज्ञान का सागर है तो आकर ज्ञान देता है। सोचो, अगर वो ज्ञान ही ना दे तो उसके ज्ञान सागर होने से लाभ क्या? वो ज्ञान देता है, तभी तो उससे ज्ञान लेने की अभिलाषा रहती है, सत्य की खोज चलती आती है। जब वो आता है तभी सत्य की खोज पूर्ण होती है। वो परम सद्गुरु भी है, राह दिखाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले चलता है, गति सदगति का न केवल मार्ग दिखाता पर दे ही देता है, मार्ग भी दिखाता है, जीवन जीने की राहें दिखाता है, आसान कर देता है राहों को। वो हमारा खुदा दोस्त भी है, उससे हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। वो मात पिता, बंधु, सखा, बच्चा, प्रियतम, सब तरह से नाते निभाता है। हम अपने नाते उससे जोड़ें, आगे बढ़ें। सोचें सभी आज, अच्छी तरह सोचें मेरी बात सुनते हुए, वो मेरा परम पिता है। चले मेरे साथ गहन चिंतन में, इसका अर्थ है वो मेरा है, वो मेरा है। इसलिए हम सिंपल भाषा में उसे कहते हैं, वो मेरा बाबा है, बाप। अब जब वो मेरा है तो देखो, ये कहते ही हम समीप हो जाते हैं उसके, दूरी खत्म। भगवान पता नहीं कैसा होगा, कब दर्शन देगा, कहाँ मिलेगा, महाकाल कहा किसी ने उसको, किसी ने और रूप दिया, उसे डरते हैं लोग, वो तो मार डालेगा, नष्ट कर देगा। नो, वो तो प्यार का सागर है, प्यारा परम पिता। वो हमें संपूर्ण प्यार देता है, हमारी पालना करता है, वो मात पिता है। तो वो मेरा है, ये नाता जोड़ लो उससे, मेरा परम पिता अभी जोड़ लो। वो मेरा है तो उसका सब कुछ भी तो मेरा हो जाएगा। नाता ही नहीं जोड़ते तो मांगते रहते हैं, प्रभु जी शांति दे दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो। मांगने से तो थोड़ा सा ही मिलता है, मांगना नहीं, नाता जोड़ना है तो उसका सब कुछ हमें मिल जाएगा। एक बहुत सुंदर बात पे सभी गौर करेंगे, जो वो मेरा है, ऐसा कहें मैं आजकल की भाषा, मेरा रिलेटिव है, मेरा पापा है, मेरा डैडी है, तो उस पर मेरा अधिकार भी तो हो गया ना। विचार करो, अधिकार, उसका मुझ पर अधिकार, मेरा उस पर अधिकार। ये बहुत सुंदर फीलिंग देने वाली बात है। इस अधिकार से हम उसे यूज भी कर सकते हैं, उसे कुछ काम कराने के लिए भी कह सकते अधिकार से। तो हम उससे अपना नाता जोड़ें, ये योग की बड़ी सहज विधि है। अभ्यास करने के लिए हमें उससे शक्तियाँ चाहिए,
हमें उससे शांति चाहिए, उसका प्रेम चाहिए, हमें पवित्रता भी चाहिए, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति है। हमें पवित्र आत्मा बनना है। उसने ही आकर याद दिलाया ये भारत देवलोक था, सबसे महान तीर्थ था, सोने हीरो के तो यहाँ महल होते थे, सभी मनुष्य निर्विकारी देवता, सुख शांति पवित्रता की तो गंगा बहती थी, अथाह धन संपदा, हम मनुष्य प्रकृति के मालिक थे। फिर से हम उस ओर बढ़ रहे हैं। हमारा भारत देश जो सबसे महान है, सबका आदि गुरु रहा है, सबका दाता रहा है, जहाँ से लोग माल लूट लूट कर ले गए, जाने दो, फिर भी भारत भरपूर रहा, जिसने कभी किसी पर अटैक नहीं किया, उस भारत में ही भगवान ने आकर राजयोग सिखाया और हमारी मान्यताओं की हमें याद दिलाई है हम कितने महान हैं। हमें किसी की ओर नहीं देखना है, संसार हमारी ओर देखेगा, देखना प्रारंभ कर दिया है। अब ये भारत लाइट हाउस बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, संसार को यहीं से शांति का संदेश जाएगा, ज्ञान की लाइट जाएगी, शक्तियों के वाइब्रेशंस जाएंगे, संसार के लिए भारत सहारा बन जाएगा हमारे देखते देखते ही। तो कैसे परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करें, शांति पवित्रता प्राप्त करें? देखिए, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज करते हैं उससे हमारा कनेक्शन हो जाता है। आप किसी व्यक्ति को विजुअलाइज करें जो बहुत दूर है आपसे, उससे आप जुड़ गए। इसको कहते हैं एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट थ्रू वाइब्रेशंस, कॉन्टैक्ट थ्रू एनर्जी। आपके वाइब्रेशंस उसको जाने लगेंगे, उसके आपको आने लगेंगे। आपके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। परमात्मा के स्वरूप को विजुअलाइज करो ब्रह्मलोक में, आकाश के बहुत दूर, पॉइंट ऑफ सटल एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी चमक रहे हैं परम धाम में। विजुअलाइज करो अभी, उसकी एनर्जी नीचे आ रही है। अब जिस संकल्प से उसे याद करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, उसी तरह की एनर्जी हमें आने लगेगी। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, भगवान की संतान, वो सर्वशक्तिवान है। इस संकल्प से उसे याद किया, उसे देखा, विजुअलाइज किया, उसकी शक्तियों की किरणें हमें आने लगी, हमारी शक्तियाँ बढ़ने लगी। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, वो शांति का सागर है। इस तरह से याद करेंगे, उसकी शांति के वाइब्रेशंस हमारे चित्त को शांत करने लगेंगे, उससे प्राप्त शांति हमारी शांति की शक्ति बन जाएगी। मैं आत्मा पवित्र हूँ और वो पवित्रता के सागर हैं, तो उनकी पवित्र किरणें मुझे प्राप्त होने लगेगी। इसमें बैठकर थोड़ा अभ्यास करना होता है, एकाग्रता की जरूरत होती है। इसको कहते हैं राजयोग। तो हम उनसे नाता जोड़ लें और उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करने का अभ्यास भी करें। तो हम भारत में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने इसके साथ जोड़ दिया, ये अमृत महोत्सव स्वर्णिम युग की ओर हमें ले जाने वाला है। इससे ही हमारे विचार स्वर्णिम होंगे, गोल्डन होंगे, हमारा व्यवहार, हमारे अंदर मोरल वैल्यूज आएंगी, और भारत का एक एक व्यक्ति यदि इस अमृत महोत्सव में ऐसा बनने का संकल्प कर ले तो भारत सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री के स्वप्न भी साकार हो जाएंगे, उनको तो बहुत बहुत बधाई है। लेकिन हम आप सबको बधाई दे रहे हैं कि आप राजयोग का अभ्यास करके अपने परमपिता से जुड़ें और इस अमृत महोत्सव के काल में अपने को ज्ञान अमृत से भी भरपूर करें, अपनी खुशी को इस अमृत पान से अविनाशी बनाएं और भारत देश को महान स्वर्णिम युग की ओर ले चलें, इसे विश्व गुरु बनाएं, इसे संसार के लिए लाइट हाउस बना दें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।